आपको भी बधाइयाँ। ये छत्रभुज नर्सरी स्कूल के पास से आप आई हैं इनॉग्रेशन के मौके पर, तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ फीलिंग है? पहली बात तो ये बहुत ही एक आई थिंक कहूँगी एक बहुत ही प्राइड वाला दिन है, क्योंकि आज हम लोग का रिपब्लिक डे है। एंड आई थिंक एक वो जो आज़ादी की सेंस है और जो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स छोड़ गए हमारे हाथ में, हम लोग को लाइक अ गिफ्ट के एंजॉय योर फ्रीडम एंड एंजॉय द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वे आर वेरी ग्रेटफुल एंड वे आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर एट द स्कूल। मैं एक स्टूडेंट हूँ जमुनाबाई नारसी की, लेकिन दिस इज़ छत्रभुज नारसी स्कूल, दिस इज़ अनदर स्कूल टू जमुनाबाई, बट इट इज़ स्टिल माई स्कूल एज़ वेल। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट फील हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ के फैसिलिटीज़ देखती हूँ जो बच्चों को मिल रही हैं, चाहे वो ओलंपिक साइज पूल हो या शूटिंग रेंज अब खुला हो, और वो भी शूटिंग रेंज इनके हाथों से जो हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उससे बेहतर क्या। सो आई थिंक इट इज़ अ डबल ऑनर फॉर मी, ए बिकॉज आई एम एन एक्स स्टूडेंट, बी दैट आई एम स्टैंडिंग विद दी हिना सिद्धू राइट नाउ एंड शूटिंग सम बुलेट्स। कुछ दिन पहले जमुनाबाई स्कूल का 50 साल कंप्लीट सालगिरह हुई थी जी। सो कितनी खुशी होती है जिस स्कूल से आप पढ़ी हैं और इतने साल कंप्लीट हो गए? जैसे कि मैंने कहा, खुशी तो बहुत ही लफ्ज़ों में इजहार कर सकती हूँ मैं, लेकिन इस समय वो मौका नहीं है। मौका इस समय खुशी का ये है कि जिस तरीके से आज कल हमारे स्कूल्स जो नई पीढ़ी है, इतना है उनको, इतना वाइड रेंज है उनको ऑफ़र करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करता है इंसान। एंड आई थिंक मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जो पूरी फैमिली है, एंड एक्चुअली सुजय से पहले उनके डैडी ही थे जो सब संभालते थे, तो क्या बोलूँगी उनके बारे में, वो हमारे इतने सीनियर हैं जयराजियन। एंड द फैक्ट बीइंग के हमारे स्कूल से ताल्लुक़ वो पहले रखते थे जब मैं स्टूडेंट थी, एंड अब मैं सुजय को देखती हूँ, वो इतना सारा कर रहा है बाकी बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए, तो बहुत ही बेहद खुशी होती है। एंड ओवर टू आर ओलंपिक चैम्पियन, अब वर्ल्ड के नंबर वन पिस्टल शूटर रह चुकी हैं, सो आज रवीना मैम के साथ शूट करते हुए कितना? देखो आज तक मैं अखियों से गोली मारती थी, रवीना जी हैं वो रियली गोली मारी है। रवीना आई नो रवीना बिकॉज शी इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स आल्सो, वेरी गुड स्टूडेंट आई मस्ट से, शी इज़ वेरी गुड एट शूटिंग। हस्बैंड है वो मेरे कोच हैं, या पंडित जो इनके भी कोच हैं। यस, सो वी हैव वी आर यस, सो वी हैव अ कॉमन कोच, शी इज़ वेरी गुड शॉट, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस दैट वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग लाइक दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑन अ डे लाइक दिस। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस स्कूल हैज़ कम अप विद येट अनदर अचीवमेंट, यू नो, ओपनिंग एन ओलंपिक लेवल शूटिंग रेंज फॉर द स्टूडेंट्स, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ टू ब्रिंग द अदर इवेंट्स ऑल्सो, सो दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम एंड पार्ट ऑफ देयर एंडेवर टू गिव बैक यू नो टू द स्पोर्ट, टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड स्पेशली ऑन दिस डेट। सो It's all coming together, I think. मतलब ऑलरेडी हिंदुस्तान जाना जाता है, माना जाता है जो हमारे शूटर्स हैं, चाहे वो 10 meters रेंज हो या 25 meter रेंज हो या उससे भी आगे 50 meter रेंज हो, लेकिन अब जो हमारे स्कूल्स ने ये स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया है, वो आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड ये जो रेंजेस खोल रहे हैं और हमारे एथलीट्स जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ये इनकरेज कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब हमारे यंग बच्चों को मौका मिलेगा अलग अलग स्पोर्ट्स करने का, तो आप आगे की पीढ़ी समझिए कितने और ज़्यादा मेडल आने वाले हैं हिंदुस्तान में। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान वैसे भी जाना पहचाना जाता है फॉर आर शूटर्स, हाल ही में वो इवन दो 60-year-olds जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी सांड की आँख, तो अगर वहाँ तक पहुँच सकता है और लोगों को और इंकरेजमेंट मिल सकती है कि आइए और इस स्पोर्ट को अपनाइए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फ्यूचर है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्पोर्ट, दैट एनी बडी ऑफ एनी एज फ्रॉम एनी बैकग्राउंड
no matter how much time they can get out of their day, be it half an hour, be it 2 hours, they can all come and you know, start this sport. मैं सबसे बड़ा example हूँ. Yes. आपने बोला कि आप training के लिए, so आपको कब interest आया? मैं actually बहुत सालों से मुझे interest था. लेकिन प्रोफेशनली जो एक अच्छा कोच मिलना बहुत ज़रूरी बात होती है एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब सुजय ने मुझे रौनक जी से इंट्रोड्यूस कराया तो मेरा बेड़ा पार हो गया. आई एम हैप्पी. ओके थैंक यू. थैंक यू. ये भी जानना चाहूँगी कि आप हाँ शी स्टॉपिंग मी सी बदलाव लाना चाहती हैं, क्या कुछ बदलाव आने चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन पहले मैं एक ही चीज़ से स्टार्ट करूँगी और एक ही चीज़ कहूँगी कि मोहब्बत, शांति और कंपैशन जिसे कहते हैं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, वो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है. तो आई फील जो हमारे आगे की जनरेशन हैं उनको काइंडनेस, कंपैशन, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे की रक्षा करना, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर अ ग्रीनर, बेटर इंडिया एंड अ बेटर प्लानट. थैंक यू सो मच. थैंक्स.